कश्मीर के बारामूला से सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच मुठभेड़ का वीडियो भी सामने आया। इसमें दिखाई दिया कि आतंकी फायरिंग करने के बाद भागने की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया। तड़ातड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी गई, इससे आतंकी घायल हुआ, जमीन पर गिर गया। जालिम भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में एक और नौजवान की जान ले ली। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बुजदिल फौज ने पुनियाद ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जहां जिले के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। 5 टेररिस्ट जो हैं किल हुए हैं कश्मीर के अंदर, और पीएम मोदी ने 42 इयर्स के बाद डोडा में जेके के अंदर एक मेगा रैली निकाली है। और आप देखें, अब इंडियन फौजियों के हाथ में अमेरिकन गन्स हैं, ठीक है जी, अमेरिकन गन्स हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह का थ्रेट है। अभी के टाइम पे अगर हम देख लें, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस की बात कर लें, जम्मू कश्मीर में इस वक्त यूआरपीडी जो है, यहाँ का जो यूथ जो है, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस जो है उसमें कहीं ना कहीं उसकी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से अवेसी साहब भी बहुत चीख रहे हैं और सारे मुसलमान जो है वो बिना सीजन के, बिना मुहर्रम के मातम कर रहे हैं, तो मुझे तो बुरा लगता है, मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन ये लैंड जिहाद में मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी। दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलहदगी इख्तियार की थी। छोड़ दे दो कौमी नजरिया, मैं तो कहता हूँ वो बहुत पीछे चला गया। हम दो कौमी नजरिया, हम चाहते हैं हम यहाँ से निकलें। खुदारा खुदारा ये जनरेशन का कुछ करें, हम बहुत पीछे चले गए हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, हमें तो उसकी टेंशन लग गई। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार कश्मीर के टेररिस्ट की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पूरे इंटरनेट में, जहां हम देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान से आया हुआ एक जिहादी जो कहता था कि वह भारत के खिलाफ जिहाद करेगा, वो किस तरह से हमारी इंडियन आर्मी को देख करके धूम धमाकर भाग रहा है और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी भारतीय फ़ौज ने उसे घेर कर कुत्तों की तरह मारा है। इसके पहले भी एक वीडियो हमने देखा था जो कि हमारी इंडियन आर्मी ने रिलीज़ किया था, किस तरह से एक पाकिस्तान। दोस्तों, जैसे जैसे करके कश्मीर में इलेक्शंस के डेट सामने आ रहे हैं, वैसे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कश्मीर को अशांत किया जाए और लगातार अपना टेररिस्ट भेज रहा है, लेकिन अब हमारी भारतीय फ़ौज काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना हो चुकी है और लगातार पाकिस्तान के जितने भी इलीगल प्लान्स है भारत के खिलाफ उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमसे ज़रूर से शेयर करें। यानी तड़पते हुए कुत्तों की मौत मारा गया है हमारी आर्मी द्वारा। 5 टेररिस्ट जो हैं किल हुए हैं कश्मीर के अंदर, और पीएम मोदी ने 42 इयर्स के बाद डोडा में जेके के अंदर एक मेगा रैली निकाली है, जिसमें उन्होंने गारंटी दी है कि वो कश्मीर के लिए वो सब कुछ करेंगे जो कि एक प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के लिए करना चाहता है, वो सब कुछ उन्होंने कहा। तो क्या वजूहात है कि LOC बेहतरी की तरफ क्यों नहीं आ रहा? देखिए, टेररिज्म टेकिंग लास्ट ब्रीथ इन जम्मू एंड कश्मीर, वो हम कहते हैं ना कि कुछ खत्म होने से पहले वो थोड़ा बहुत बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता है, जब दिया बुझने लगता है तो वो फड़फड़ करने लगता है। तो उसी तरीके से पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन भी है और फारूक अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वो 370 को वो फिर से लागू करेंगे, और उसके बाद फिर वो अपने झंडे का रंग जो है वो भारत का जो अभी है वो नहीं रखेंगे, वो फिर से वही इस्लामिक झंडे का रंग करवाना चाहते हैं, वो SC ST OBC के रिजर्वेशन को वो खत्म कर देना चाहते हैं। वो रो रहे थे कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले वो छाती पीट रहे थे, मातम कर रहे थे वो, कि भाई बुरहान वानी को याद कर रहे थे, अफजल गुरु को याद कर रहे थे, यासिन मलिक को याद कर रहे थे। तो 1990 से पहले अगर हमारे जम्मू एंड कश्मीर के आप हालात देखिएगा तो वो बहुत खूबसूरत था, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के हाथ में था। और 1970 में जाइए, 1980 में जाइए, लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला परिवार ने कश्मीर की सरजमीन के सत्ते पर अपना कदम रखा, वैसे ही वहां पर एक आतंकी माहौल जो है वो स्टार्ट हो गया, एक उग्रवादी माहौल, एक जिहादी माहौल वहां पर स्टार्ट हुआ। मुझे आज भी याद है, जब क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ी हूँ तो उस हिसाब से मुझे
एक यूएन फॉर्मर यूएन मेंबर है, मैं उनको मासी बोलती हूँ, उन्होंने, वो मुझे अपनी बेटी मानती है, उन्होंने अपनी किताब मुझे दी है जिसमें, जिसको पढ़ करके मुझे समझ में आया कि जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होता था और कश्मीरी पंडितों की बेटियों का बलात्कार होता था तो, और कश्मीरी पंडितों के बच्चों को जिंदा दफनाया जाता था, तो फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो वजीर डिस्को बाई कश्मीर जश्न मनाया करते थे इस नाम, ये नाम दे करके, वजीर डिस्को बाई कश्मीर। और जब वहां पर एयरफोर्स ऑफिसर का गंजू बोल करके एक नर्स है उनका, वहां के जजेस का जब गला काटा जाता था लश्कर ए तैयबा और यासिन मलिक के नेतृत्व में, तो उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब गोल्फ खेला करते थे, गोल्फ खेला करते थे। उनको पता होता था कि आज वैली में 50,000 कश्मीरी पंडितों को मार दिया जाएगा, उनको पता होता था कि आज कश्मीर के इस एरिया में जो है वहां पर 1,00,000 कश्मीरी पंडितों को के घर को जला दिए जाएंगे, उनको पता होता था कि आज वैली के नीचे खाड़ी में जाकर के जितने भी कश्मीरी पंडित रहते हैं, जिनका अखरोट का बागीचा है, जिनका बादाम का बागीचा है, जिनका जाफरान का बागीचा है, उन सारी बहु बेटियों को रेप किया जाएगा और उसके बाद फिर उनको जिंदा जला दिया जाएगा और पुरुषों को काट दिया जाएगा, और वो बच्चियां जो अभी 6 साल की हैं, जो 5 साल की हैं, उनको 1-2 साल के लिए रख लिया जाएगा कि जब वो 9 साल की होंगी तो उनका रेप कर कर करके जब लश्कर ए तैयबा और यासिन मलिक थक जाएगा तब उसको भी दफना देगा। ये बात फारूक अब्दुल्ला को पता होती थी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला गोल्फ में बिजी होते थे, फारूक अब्दुल्ला वजीर डिस्को बाई कश्मीर में बिजी होते थे, फारूक अब्दुल्ला अपनी शेर शायरी में बिजी होते थे, फारूक अब्दुल्ला जश्न का और मुजरे का माहौल बना करके अपने घर में रखे रहते थे। पर वो, और उन्होंने एक संवाद दिया था, एक मैसेज दिया था कि फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुसलमानों के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं, वो हिंदुओं के चीफ मिनिस्टर नहीं। As it is, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ये बात बता दिया है, बंद अल्फाज में ही, लेकिन उन्होंने अपनी हरकतों से ये बयान कर दिया है कि ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की, वो मुसलमानों की चीफ मिनिस्टर है, वो संवैधानिक लोगों की, वो राष्ट्र प्रेमी लोगों की, वो हिंदुओं की या वो और किसी समुदाय या धर्म के लोगों की चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो स्पेसिफिकली सिर्फ मुसलमानों की चीफ मिनिस्टर है। तो उसी तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने बताया था। तो अभी क्या है कि इतने जमाने के बाद जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए और रैली किया है, तो अभी पाकिस्तान को ऐसा लगा कि उस रैली से पहले हम टेररिस्ट भेज देंगे, थोड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करवा देंगे, थोड़ा आतंकी माहौल करवा देंगे, तो मोदी जी की रैली नहीं होगी, इसलिए इस स्ट्रैटेजी में। और कोई ठीक नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला का उसमें हाथ होगा, कोई ठीक नहीं है कि उन्होंने ही बोला होगा पाकिस्तान के आपके वजीर आजम को कि जरा 2-4 बम पटाखे फोड़ दो, मोदी चला जाएगा, भाग जाएगा। तो भाई मोदी तो उस वक्त नहीं भागा जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी और कांग्रेस के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कश्मीर खत्म नहीं रखा करते थे, इंदिरा गांधी कश्मीर खत्म नहीं रखा करती थी, सोनिया एंटोनियो कश्मीर खत्म नहीं रखा करती थी, राजीव गांधी कश्मीर खत्म नहीं रखा करते थे, लेकिन मोदी जी कश्मीर जाते थे और लाल चौक में बोलते थे कि देखेंगे किसके बाप के अंदर कितनी ताकत है, हम तो अपने अपने भारत का झंडा लगा के आएंगे, और वो लगाते थे।